बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी घूमने फिरने के शौकीन हैं, ये उनकी हॉबी है। चौहान शनिवार को अपने निवास पर पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि राहुल की यही शैली कांग्रेस को पसंद है। चौहान ने इशारा किया कि वे कोई काम नहीं कर रहे हैं। सिर्फ एक मिनट में बाइक गायब हो गई। जी हाँ, दो बदमाशों ने इंदौर के विजयनगर इलाके से एक डांस क्लास के बाहर खड़ी बाइक को सेकंड्स में उड़ा दिया। आप भी देखिए कि कैसे पहले चोर ने बाइक का तार काटकर उसे डायरेक्ट किया, उसके बाद दूसरे ने सेकंड्स के भीतर ही लात मार कर लॉक तोड़ा और बाइक लेकर फरार हो गए। तार काटने और लॉक तोड़ने में एक्सपर्ट दिख रहे इन बदमाशों में से एक ने बाइक को खींच कर मोड़ा और लेकर भाग निकला। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। इंदौर में पुलिस की चेकिंग के नाम पर पैसे लूटने का मामला सामने आया है। मोहनपुरा इलाके में सराफा कारीगर सलीम को दो लोगों ने पुलिस चेकिंग के नाम पर रोका और चेकिंग का बहाना कर बैग से लगभग 40,000 रुपए चोरी कर लिए। एक दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में लुटेरों की यह हरकत रिकॉर्ड हो गई है। पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। अधिकारियों पर गुस्सा कर रहे ये हैं सांसद प्रहलाद पटेल। इनका गुस्सा सामने आया है दमोह के जिला अस्पताल में, जहां पर वो अचानक दौरा करने पहुंचे। इस दौरान अस्पताल की व्यवस्थाओं और साफ सफाई को लेकर उन्होंने ठेकेदार और अधिकारियों की जमकर क्लास ली। ग्वालियर के एक नशा मुक्ति केंद्र में प्रताड़ना का मामला सामने आया है। सुहम नशा मुक्ति केंद्र में पुलिस और जिला प्रशासन ने छापा मारा, जिसमें सामने आया कि नशा छुड़ाने के लिए यहां आने वालों को प्रताड़ित किया जाता था। पुलिस ने इस नशा मुक्ति केंद्र से 53 युवकों को छुड़ाया है। महाकाल मंदिर के प्रसाद के नाम पर ऑनलाइन ठगी का एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ है, जिसमें ऑनलाइन के जरिए महाकाल मंदिर का प्रसाद भेजने की बात की जा रही है। जब श्रद्धालु ने वेबसाइट के बारे में पूछा कि क्या ये महाकाल मंदिर से संबंधित है, तो एक के बाद एक तीन लोग फोन पर आए और संस्था को महाकाल से संबंधित बताने का पुरजोर प्रयास करने लगे। इस बीच फोन काट दिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अनिल कुंबले को चीन से बधाई दी है। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर कुंबले को टीम इंडिया के नए हेड कोच की कमान सौंपे जाने पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए टीम इंडिया के उज्जवल भविष्य की कामना की। गुरुवार को अनिल कुंबले को टीम इंडिया के नए कोच की जिम्मेदारी दी गई है। कुंबले एक साल तक टीम के कोच की जिम्मेदारी निभाएंगे। राज्य सरकार की ओर से 4 शहरों को स्मार्ट बनाने की मंजूरी मिल गई है। प्रदेश के उज्जैन, ग्वालियर, सागर और सतना को स्मार्ट सिटी बनाए जाने के लिए इनके संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। ये प्रस्ताव 30 जून तक केंद्र सरकार को भेजे जाएंगे, जिसके बाद जुलाई में इन पर फैसला लिया जाएगा। जबलपुर के गुलौआ ताल के सौंदर्यीकरण को लेकर बीजेपी नेत्री सुषमा जैन का मकान तोड़े जाने की कार्रवाई के बाद वायरल हुए कथित ऑडियो की शहर में चर्चा है। ऑडियो वायरल करने वालों का दावा है कि ये बातचीत बीजेपी नेत्री सुषमा जैन, उनके पति सुभाष जैन और महापौर के पति सदानंद गोडबोले के बीच हुई है। हालांकि पत्रिका इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। प्लेटफॉर्म किनारे टहलना एक युवक के लिए जानलेवा साबित हुआ। गुरुवार को मिसरोद स्टेशन पर हवा के झोंके के कारण असंतुलित होने के बाद एक युवक ट्रेन के इंजन के हुक में फंस गया। 6 किलोमीटर तक लटकने और इंजन से बार बार टकराने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। युवक का शव हबीबगंज स्टेशन पर उतारा गया, उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है।